जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी बुलियन, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रहेगा। पिछले हफ्ते हमने काफ़ी हलचल देखी है, खास करके बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में। लेकिन जो जायज़ा लेंगे हम, पहले प्रेशियस मेटल से शुरू करते हैं। गोल्ड और सिल्वर में भी हमने एक दायरे में कारोबार होते हुए देखा। तो अगर हम पिछले हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो 47,700 से 48,250-300 तक की एक रेंज हमें देखने मिली थी। लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने एक अच्छी खासी सेलिंग आते हुए देखी है ऊपरी स्तरों से। हमें एक पर्सपेक्टिव अगर लेना है तो ये जानना ज़रूरी है कि 45,600 के लेवल जो हमें लगभग डेढ़ महीने पहले दिखे थे, उसके बाद हमें लगातार तेज़ी देखने मिली है और 48,300 तक हमने गोल्ड में, डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस में अपसाइड देखा है। वहीं स्पॉट गोल्ड भी $1,720 से लगभग $1,820 तक एक रैली देने में कामयाब हुआ है। हालांकि हफ्ते का क्लोज जो था वो $1,800 के नीचे दिया है। तो फिलहाल एक दायरा जो है वो बना रहेगा और उस दायरे के निचले स्तरों पे बाइंग करके अभी भी चला जा सकता है। डाउनसाइड में 1750 से $1,760 के करीब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं और अपसाइड में 1815 से $1,820 के बीच रेजिस्टेंस है। तो यदि प्राइसेस 47,200 से 47,100 के बीच दिखें तो वहाँ पर दोबारा बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है और अपसाइड में इमीडिएट टारगेट की तरह 47,800 से 48,200 के लेवल लिए जा सकते हैं। वहीं चांदी में भी हमने 66,500 के ऊपर के लेवल सस्टेन होते हुए नहीं देखे और एक करेक्शन देखी गई है, 65,000 के नीचे क्लोजिंग दी है हफ्ते की। स्पॉट सिल्वर में ने भी $25 को के काफ़ी करीब जाकर करेक्शन दी है। तो ऐसा लगता है कि डाउनसाइड में 63,500 के स्तर हमें अगले हफ्ते की शुरुआती कारोबारी दिनों में देखने मिलेंगे, यानी डॉलर टर्म्स में हो सकता है हमें $23.3-$23.4 स्पॉट में देखने मिले। लेकिन ऑन द होल जो बड़ा रुझान है, यानी आप डेढ़ से दो महीने की यहाँ से बात करें तो ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ रहेगा और बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। अगले हफ्ते धनतेरस भी है, दिवाली भी है, तो एक नेचुरल बाइंग टेंडेंसी रहेगी। यानी जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है या निवेशक है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीदने को देखेगा डिप्स पर। तो वो भी एक चीज़ है जो ETF गोल्ड होल्डिंग, फिजिकल गोल्ड होल्डिंग, ज्वेलरी की गोल्ड होल्डिंग और साथ ही सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर इन्वेस्टमेंट में जो निवेशक हैं वहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं और एक डिमांड उभर के आ सकती है। वहीं रुक करते हैं बेस मेटल्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिली है। हमने देखा कि जिंक, लेड, निकल, कॉपर, सारे बेस मेटल्स, इनफैक्ट एलुमिनियम भी काफ़ी हद तक बड़ी करेक्शन देने में कामयाब हुए और हमने देखा कि 811-812 के लेवल से कॉपर लगभग 740 से 745 की जोन तक एक फॉल दिखा चुका है और उसके बाद थोड़ी बहुत प्राइजेस जो हैं वो संभलते हुए दिख रही हैं। ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में इन स्तरों से एक बार बाइंग की संभावना है और अपसाइड में 765 से 770 का लेवल हमें कॉपर में देखने मिल सकता है। जब तक 735 के ऊपर सस्टेन हो रही है प्राइसेस, तब तक ये व्यू कायम रहेगा। वहीं निकल की बात करें तो 1450 का एक बढ़िया सपोर्ट है, उसके जब तक ऊपर है तब तक ये पॉसिबल है कि 1565 और उसके बाद 1590 तक के स्तर दोबारा देखने मिलेंगे। हालांकि जो पिछले हाईज हमने 1600 के ऊपर के देखे थे M6 पर, वो दोबारा नहीं दिखेंगे इतने जल्दी, ऐसा मेरा मानना है। सबसे बड़ी गिरावट हमने एल्युमिनियम में देखी है, जहाँ पर 258 के हाई से हमने 210 के नीचे के लोज भी देख लिए। ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, यानी जिन्होंने बिकवाली की है वो एक बार अपनी पोजीशन कवर करने को आएंगे या कवर करना चाहेंगे। अपसाइड में 220 से 222 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, इसलिए 210 से 207 के रीजन में अगर प्राइजेस मिले तो वहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है और 222 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। हालांकि अपसाइड में ऐसा लगता है कि 230 से 35 अभी एक पोजिशनल रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएंगी। वहीं जिंक में भी हमने अच्छी खासी बिकवाली देखी है, जहाँ पर हमने 326 या 327 के हाईज देखे थे, ऑल टाइम हाईज, वहाँ से लगभग 275 तक के लोज हमने देख लिए हैं और उसके बाद प्राइसेस थोड़ी बहुत संभल रही हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि 270-268 जोन थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अपसाइड में 285 से 288 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे, यानी 285 से 288 तक के लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस दिखे जा सकते हैं।
वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर रुक करें तो हमने देखा कि कच्चा तेल जो रिसेंट हाइज थे 6,425 के ऊपर के, जो हमारे इंसिडेंटली पिछले हफ्ते के टारगेट भी थे, वहाँ से एक अच्छी खासी करेक्शन देने में सक्षम था और लगभग हमने 6,100 के नीचे के भी स्तर देखे, लेकिन जो क्लोजिंग आई सप्ताह की वो 6,200 के ऊपर की आई। ऐसा लगता है कि निचले स्तरों से फ़िलहाल बाइंग अट्रैक्ट होगी और अपसाइड में 6,280 और उसके बाद 6,360 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। हालांकि फ़िलहाल जो अपसाइड है वो लिमिटेड दिखाई दे रहा है। वहीं नेचुरल गैस में हमने काफ़ी उठापटक देखी, जहां पर हाइज जो थे वो 467 के करीब के थे, वहीं क्लोजिंग जो देखी गई है वो 440 के करीब या उसके थोड़ी नीचे दी गई है प्राइसेस द्वारा। तो ऐसा लगता है कि 420 से 410 का जो सपोर्ट जोन है फ़िलहाल एक सपोर्ट की तरह करेगा और पहले एक सेल टारगेट की तरह लिया जा सकता है, लेकिन 410 के बाद हम ऐसा लगता है कि दोबारा बाइंग एमर्ज हो सकती है और अपसाइड में 445 और उसके बाद 465 ये दो लेवल दोबारा देखने मिलेंगे। तो आने वाले सप्ताह में शुरुआती एक दिन या दो दिन हमें सेलिंग देखने मिलेगी, लेकिन ऑन द होल ऐसा लगता है कि डाउनसाइड जो होगा लिमिटेड होगा और दोबारा निचले स्तरों से जो मेजर ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले सप्ताह में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।